Hi, good morning everyone. So this is the day 7 in the naturopathy hospital. तो आज मेरा सातवां दिन और अभी मैं जा रहा हूँ योगा करने के लिए. एक्चुअली मैं 10 मिनट लेट भी हो चुका हूँ, बट 7 दिन का एक्सपीरियंस बहुत सही जा रहा है. अभी शायद चेन्नई का वेदर भी थोड़ा कोल्ड कोल्ड सा हो गया है, लग रहा है बारिश होने वाला है थोड़ा देर में. साउथ इंडिया में शायद साइक्लोन ऐसा कुछ हुआ है, मैं जैसा देख रहा था न्यूज़ पे. तो अभी जाता हूँ योगा करने के लिए और आज देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट देता है, क्या ट्रीटमेंट देता है. कल मड बात हुआ और अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा. 7 दिनों में तो कुछ दिन कॉमन मिला, कुछ दिन अलग अलग ट्रीटमेंट मिला, लेकिन यहाँ पे एक स्लो डाउन होने का मौका मिला. सो दिस इज़ हाउ आई एम गेटिंग इन टू द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट. और लाइक सुबह सुबह चेन्नई का टेम्परेचर जिस तरीके से लग रहा था कि पूरा बारिश होने वाला है, लेकिन अभी जो सिचुएशन देख के मेरे को लग रहा है कि बारिश तो होने नहीं वाला है. कल जैसा गर्मी तो ऐसे ही गर्मी होगा. लुक आउटसाइड, ऐसा ही कुछ होगा. और अभी नेक्स्ट जो है मेरे को जूस मिलने वाला है, सुबह सुबह प्लांट बेस्ड जूस और दोपहर में मतलब मिडिल वाला जो जूस मिलता है उस टाइम कुछ फ्रूट जूस एंड उसके बाद कुछ पत्ते का जूस मिलता है. तो जस्ट योगा करके आया और अभी 7 बजे जूस मिलेगा. उससे पहले आज क्या करना है कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, क्योंकि पिछले 7 दिनों पर मैंने बहुत सारा टूथपेस्ट एंड टूथब्रश यूज़ किया, लेकिन अभी चैलेंज लेना है कि भाई साहब मेरे को यूज़ नहीं करना है. आई एम गोइंग इन टू डायरेक्टली आइदर टूथ पाउडर या फिर दातुन यूज़ करेंगे. यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, मैं कोई भी एक पेड़ का दातुन यूज कर सकता हूँ. तो आज वही प्रोग्राम लेते हैं. आई गॉट सम नीम का दातुन. और शहर के अंदर ऐसा जगह जहाँ पे नीम का पेड़ हो और छोटा छोटा ऐसे और भी हर्बल पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे कल एक्चुअली मैं जब मड बात लिया था तब पूछ लिया था कि मैं यहाँ पे नीम का दातुन यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. तो उन्होंने बोला कि आप यूज़ कर सकते हो, तो इसीलिए आज आया और नीम का दातुन मैं यहाँ पे आके यूज़ कर रहा हूँ. 7 डेज चैलेंज, नीम का दातुन से मुंह धोना है. दूसरा दिन की तरह आज भी जूस मिला और ये प्लांट बेस्ड कुछ जूस है, पता नहीं क्या जूस है लेकिन सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, प्लांट बेस्ड कुछ जूस है इन्होंने बोला. और तमिल में कुछ बोल रहे थे, पता नहीं. यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, या तो आप जूस ले लो या तो काढ़ा ले लो. तो काढ़ा को यहाँ पे तमिल लैंग्वेज में कसाई बोलते हैं, कसाई काइंड ऑफ पी के तो लग रहा है इस जूस को मैं पी चुका हूँ. पता नहीं किस चीज़ का जूस है, पीने से मतलब है पी लेते हैं. ब्रेकफास्ट मिला है वो थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा मिला, थोड़ा ज़्यादा चीज़ भी मिला है. यहाँ पे स्प्राउट्स, पपाया, गाजर, लोकल ककड़ी, खीरा, बनाना. तो ये आज का ब्रेकफास्ट. दिन दिन तक लग जाता है, पता नहीं क्यों. अभी जो जा रहे हैं यहाँ पे जो 10 बजे स्पेसिफिक योगा होता है जिसको जो बीमारी है उसके वजह से, तो योगा क्लास ज्वाइन करेंगे. अभी योगा सेक्शन से निकल के मेरा ट्रीटमेंट सेक्शन पे जाना हो रहा है. सो दिस साइड पे अभी मड पैक होगा जो एब्डोमेन और आई पे दिया जाता है. मेरे को लंच पे मिला है ये देखिए, खरबूजा, स्प्राउट्स एंड केला. सो दिस ऑल थिंग्स आर इन द लंच. और इसमें मेरा भूख मतलब मिटेगा नहीं. आज शाम को देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होता है. आज एक्चुअली योगा हुआ एंड बैक मसाज. मेरे को मसल नट्स है, मतलब कई कई जगह पे मसल्स कहीं मतलब जम गया है, इतना ज़्यादा बैक के ऊपर प्रेशर मिला है तो उसके वजह से जम गया है. तो अभी उसको कल परसों 2 दिन और यहाँ पे मसाज मिलेगा. मतलब लंच हुआ, लंच होने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद यहाँ पे जब नीचे ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहा था, आज मैं अपना एक्यूपंक्चर वाला नीडल भूल गया. तो एक्यूपंक्चर वाला नीडल आज मेरे को वापस से दिया गया. एक्यूपंक्चर नीडल एक्चुअली बहुत कॉस्टली होता है, 4 नीडल का 96 रुपीज़. तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सेफली रखो यार इसको, कहाँ कहाँ मतलब इसको खो देता हूँ. योगा फॉर द बैक पेन एंड लाइक फॉर द वेरिकोस वेन और जो भी था मतलब मेरे को दिक्कत, उसके लिए उन्होंने थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा स्पेसिफिक योगा करवाया. नाउ आफ्टर दिस एक्यूपंक्चर, मतलब योगा के बाद एक्यूपंक्चर हुआ और ये सारा चीज़ होने के बाद अभी लेग पैक दिया जाएगा. और बैक पेन के लिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक शॉक यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके बैक पेन हील होता है, तो वो ट्रीटमेंट मिलेगा. और आज सुबह सुबह जो मतलब बैक मसाज मिला तो वो काफ़ी मतलब इफेक्टिव रहा मेरे लिए. अभी जाते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद जूस मिलेगा एक बार, और उसके बाद शाम वाला योगा है वो अटेंड करना है. और परसों जो फ्रूट खरीद के लेके आए तो वो मेरा ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए भी आज फ्रूट खरीदने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट थिंग्स गोइंग ऑन. लेकिन जितना दिन जा रहा है रूटीन इज ऑलमोस्ट लाइक कॉमन, तो ब्लॉगिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए पहले का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा. लेकिन अभी उतना कंटेंट मिल नहीं रहा है, तो जितना मिल रहा है उसको ही मतलब एक्सपीरियंस करके अपलोड कर रहे हैं. थोड़ा देर पहले कॉमन योगा करके आए और योगा करने के बाद जो डिनर मेरे को मिला है, केला,
यहाँ पे इसको कुंदरी बोलते हैं हमारे बंगाली में, पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, खीरा तरबूज और बीटरूट। तो ये है आज रात का डिनर, इसको खाते हैं और अभी थोड़ा देर के बाद बाहर जाने वाले हैं। शाम को बता रहा था कि आई नीड टू गो आउट एंड परचेज सम फूड, सो आई जस्ट केम हियर टू गेट सम बनाना। और ये लगभग मेरा 3 दिन का स्टॉक होगा, आई थिंक फॉर 3 डेज। और यहाँ पे जैसे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, लेफ्ट साइड पे एक फ्लाईओवर है, तो पूरा दिन मतलब गाड़ी का आवाज़, और राइट साइड में काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स के दुकान है, सो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। जैसे जगह पे है गाड़ी का आवाज़ उसके अंदर शोर शराबा वाला जगह से मतलब बिल्कुल ही अलग, तो ऐसे मतलब कटआउट वाला जगह, तो काफ़ी ज़्यादा एक खुद के लिए सेल्फ एनालाइजिंग हो जाता है कि एक जगह पे आपका ज़िंदगी पूरा स्लो चल रहा है और एक जगह पे ज़िंदगी चलाने के लिए लोग इतना ज़्यादा मतलब रेस पे लगे हुए हैं। चेन्नई के रास्ते पे रोड क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और चेन्नई का भाई साहब नेशनल ट्रांसपोर्ट ऑटो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, एक बार एक ऑटो वाला को मैंने बोल भी दिया था, भाई साहब आपका ऑटो को थोड़ा चेंज करवा लो इतना आवाज़ करता है, तो बोलते हैं तुम मेरे को 10,000 दे दो अभी ठीक करा देते हैं। लुक हियर ओनली, ये देखिए फ्रूट यहाँ पे लगा हुआ है, तमिलनाडु का फेमस रेड बनाना। यहाँ पे कटहल है, तरबूज है और छोटा छोटा और भी कई तरीके का फ्रूट है, तो अभी देखते हैं क्या मेरे को लेना है। सो द पीपल ईट इट, दिस वन कोकोनट का छोटा छोटा प्लांट मिल रहा है, तो ये तमिलनाडु में लोग इसको खाते होंगे, एक बार इसको लेके देखते हैं कैसा लगता है खाने में। ओके, तो इनसे ये पता चला कि ये कोकोनट वाला छोटा सा जो पेड़ है ये हर एक जगह में मिलता नहीं है, ये बहुत रेयर चीज़ है और ये यहाँ पे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको आज पकड़ ही लेते हैं। छोटा सा नारियल मिला है, तो इसको ओपन करने की कोशिश किया जा रहा है, मैं अभी कभी इसको खाया नहीं हूँ एक्चुअली। सो पीपल ईट इट एज ए होल, बोल रहे कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तमिल में क्या क्या बोल रहे यार, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, गाली भी दे रहा होगा तो पता नहीं चलेगा। वाटर इन साइड, ओके ऐसा कुछ दिख रहा है भाई, छोटा सा बेबी सा नारियल, देखते हैं खाके कैसा लगता है। और मुझे देता ना, मुझे अभी जा रहे हैं बस इसको लेके रूम के अंदर, फिर बात होगा। ओके, इसको और भी निकालना होता है। तो ऐसे कुछ है ये, सेंटर। तो आज बहुत लेट उठ गया हूँ एक्चुअली, थोड़ा देर के बाद मेरे को योगा करने के लिए जाना है, 5:40 हो रहा है, 5:30 को योगा का टाइम है, 10 मिनट मैं लेट हूँ, सो गया था, सो के उठा और मतलब पता नहीं मेरा दिमाग ठिकाने पे था या नहीं, आज मेरा 8वां दिन है नेचुरोपैथी में, और जब योगा करने के लिए गया तब मैं बोला कि भाई आज 7वां दिन है, मतलब बाद में पता चला मेरे को, मैं गिन रहा था कि आज कौन सा दिन है, तो देखा कि यार कल तो मैंने वीडियो बनाया था 7वां दिन का, आज फिर से 7वां दिन का बना रहा हूँ, मतलब लाइक आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये आज क्या ब्रेकफास्ट मिला वो दिखा, तो ये आज का ब्रेकफास्ट है, यहाँ पे अनारस, कुछ लोकल ककड़ी, गाजर, खीरा और स्प्राउट्स, और उसके साथ एक केला।
तो ये है डे 8 का ब्रेकफास्ट। हाई गुड मॉर्निंग, सो दिस इज़ द डे 9 इन नेचुरोपैथी सेंटर। थोड़ा सा मतलब जब मैं आज फुटेज चेक कर रहा था, शुरू किया था वीडियो ब्लॉगिंग करना अबाउट द नेचुरोपैथी लाइफ व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्चुअली डे 1 जब शुरू किया था तब काफ़ी एनर्जेटिक था ब्लॉगिंग करते करते, लेकिन आज जब मतलब 9th डे हो गया, धीरे धीरे थोड़ा कम करते करते मतलब एकदम कम सा कर दिया मैंने ब्लॉगिंग। कल तो मैंने दिखाया भी नहीं कि क्या खाना खाया, क्या किया क्या नहीं किया। एक्चुअली कल भी मतलब पूरा सेम ही था रूटीन कि 3 टाइम ट्यूशन, 3 टाइम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, और फिर कल ट्रीटमेंट पे भी नॉर्मल जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, लेग पैक फॉर द वेरिकोज वेन, स्पेसिफिक योगा फॉर द वेरिकोज वेन बैक पेन, एंड सुबह शाम 2 बार योगा करना। और उसके साथ साथ कल तो कुछ अलग ट्रीटमेंट मिला नहीं था, एक्यूपंक्चर और बैक पेन के लिए कुछ इलेक्ट्रिक मतलब करंट दे रहे थे, तो उसके वजह से बैक पेन हील होता है, तो वही जो डेली सिस्टम हो रहा था वही हुआ। आज देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे कल जाके एक बात भी पता चला, नेचुरोपैथी कॉलेज जहाँ पे चेन्नई पे है, ये जगह है अन्नार। तो अन्नार इज़ एक्चुअली एक सेंटर पॉइंट है, मतलब अलग अलग रोड आके यहाँ पे मिलते, फ्लाईओवर भी है। तो यहाँ पे आके जब मतलब मैं गया, इंडियन मेडिकल कुछ है, मतलब इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसा ही होगा कुछ, वेस्टर्न नहीं, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जाके देखा कि भाई साहब खाली नेचुरोपैथी नहीं है इस जगह पे, यहाँ पे और भी 2-3 तरीके का इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिस चलता है, जैसे आपका आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, और वर्मा पॉइंट करके एक हो गया, फिर उनानी मेडिसिन हो गया। तो ये सारा चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट किया गया है, और यहाँ पे कोई भी मेडिसिन प्रैक्टिस पे आप अपने आप को दिखा सकते हो, मतलब आपका जो भी दिक्कत है उसको पूरा पूरी दिखा सकते हो। तो ये बड़ी सही लगा यहाँ पे आके कि आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही ट्रीटमेंट तरीका पे या फिर एक ही हीलिंग प्रैक्टिस पे अपने आप को दिखाओ और अपने आप के बारे में बात करो, बट इतना सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो यू शुड लुक एट वंस, यहाँ पे आओ और एक बार दिखा लो। बैकपैकर्स के लिए एक्चुअली एक बॉडी रिचार्ज करने का बहुत सही जगह है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो। सो अच्छा लगा काफ़ी मेरे को जगह, और आज 9th डे, वीडियोस एडिट हुआ नहीं है, करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे होगा लेकिन हो जाएगा, होप सो हो जाएगा। और चेन्नई पे तो अभी उतना गर्मी है नहीं, बस नॉर्मल से सनराइज होने वाला थोड़ा देर पे, और उसके बाद दिन शुरू होगा चेन्नई में। अभी योगा जस्ट होके आया, और योगा होने के बाद मैं चला गया था बाहर थोड़ा सा, मतलब कैंपस से बाहर ऐसे जाना अलाउड नहीं है, बट देन ऑल्सो आई वेंट अपोजिट साइड। और सिचुएशन क्या रहा कि मैं फेसबुक पे एक वीडियो डाला था अबाउट द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एंड व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। तो माय वीडियोस जो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होकर चलता है, कभी फेसबुक पे आगे चला जाता है, यूट्यूब पे बात भी आता है, कभी यूट्यूब पे आगे चला जाता है, फेसबुक पे बात भी आता है। तो मैंने अपलोडेड द वीडियो ऑन फेसबुक, तो मैंने पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि मेरे को पेट का प्रॉब्लम है, मेरे को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, मेरे को इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, सो कैन आई ट्रीट माई डिजीज इन नेचुरोपैथी। तो उन्होंने सिंपली बोला कि भाई साहब मतलब इसके बारे में आप पूछो एक बार, कि मैं इतना दूर से पश्चिम बंगाल से आऊँगा इधर चेन्नई ट्रीटमेंट कराने के लिए, सो यू शुड आस्क वंस। तो मैंने पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि नेचुरोपैथी कोई एक डिजीज़ को नहीं पकड़ता है, एक्चुअली डिजीज़ का रूट को पकड़ता है और पूरा बॉडी को एज ए होल बॉडी ट्रीट करता है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक दर्द है, जैसे मेरे को सर दर्द होता है, तो सर दर्द के लिए खाली ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एक्चुअली होल बॉडी के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। सर दर्द होता किसके वजह से है, या फिर सर दर्द का रीज़न भी क्या हो सकता है, तो उस पे जाना, मतलब बैक टू द रूट्स पे जाना। तो यहाँ पे पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। तो उन्होंने मतलब देखा मेरा वीडियो, उनको अच्छा लगा और उन्होंने यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअली वो मेरे को फ़ोन में कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क पता नहीं, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा, तो ही जस्ट कॉल्ड मी अप लेकिन लगा नहीं। तो कल रात पे जब मैं रूम में आया, तो यहाँ पे एक मैडम मतलब आते हैं डेली रात को चेक करने के लिए कि आप ठीक हो या नहीं हो, क्या है, खाना पीना कैसा लग रहा है नेचुरोपैथी में, दिस ऑल। तो उन्होंने बोला कि वन गाय फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ही जस्ट केम हियर इन द नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, तो आई थिंक यू शुड कंसल्ट विथ हिम वंस, और वो तुम्हारा वीडियो देख क्या है। तो मैं बोला भाई साहब अजब हो गया, मेरा वीडियो इतना इन्फ्लुएंस कर गया लोगों को कि पश्चिम बंगाल से चेन्नई आ गए लोग नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मैं भी सुन के हैरान, मतलब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। सो देन आई एक्चुअली कनेक्टेड, मतलब फेसबुक पे ढूंढा यार कौन बंदा है, क्या बात कर रहा है।
देन मेरे को पता नहीं चला। और फिर आज जब योगा क्लास खत्म हुआ तो मैं रोड क्रॉस करके उल्टे साइड पे गया और बात करने के लिए गया। देन आई केम टू नो अबाउट दैट गाय दैट ही जस्ट केम हियर फॉर द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो उनके साथ बात किया तो वो बोले कि मेरे को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा तो मैं आ गया। तो ऐसे मतलब हो जाता है भाई, मतलब ना चाहते हुए भी लोगों तक ऐसा चीज़ पहुँचाना जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे को खुद बहुत सही लग रहा था, मतलब जो मैंने काम किया है उसको लेके कि जिनको पता नहीं था, जिनको ज़रूरत था, उनके पास मैं ये पहुंचा रहा हूँ। अगर YouTube पे व्यू आ जाता उतना देन आई विल बी लाइक मतलब आई माइट बी ग्रेटफुल विल बी क्या मतलब ग्रेटफुल हो जाते कि भाई साहब इतना मेहनत कर रहे हैं और वीडियो पे व्यू आ रहा है, लेकिन YouTube पे तो व्यू आता है नहीं। तो ठीक है, आता है नहीं तो वो YouTube का धंधा है, मेरे को अपना वीडियो बनाना है तो वो मेरा धंधा है, तो मैं तो वीडियो बनाता जाऊँगा। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे कुछ जूस मिला है, दैट इज़ काइंड ऑफ मीठा मीठा जूस, और पता नहीं व्हाट जूस दिस व्हाट जूस जूसिंग जूस, तो ये यहाँ का लोकल जूस होता होगा। पी लेते हैं, बस पियो खुश रहो। सुबह में प्लांट बेस्ड जूस मिलता है, एक बार फ्रूट जूस मिलता है और एक बार पत्ते का जूस मिलता है, तो ये मॉर्निंग वाला जूस है। गुड फीलिंग चिल लाइक सो ब्लेसफुल। और पेपर पे क्या मिला है, गाजर, स्प्राउट्स, खीरा, ककड़ी, केला और क्या बोलते हैं जैक फ्रूट, अनारस। फ़ोन पे हॉटस्पॉट लगाया एंड लैपटॉप चालू किया, मैं अपना पूरा एकदम ताम झाम लेके वीडियो अपलोड करने के चक्कर पे पूरा बैठा हूँ यहाँ पे। और कल रात को एक तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो धीरे धीरे काम हो रहा है स्लो लाइफ। आज लंच पे क्या मिला है, आज लंच पे मिला है स्प्राउट्स, लेकिन ये स्प्राउट्स पे खास बात है, इस पे गुड़ है और उसके साथ साथ कोकोनट मिलाया गया है, ये केला मिला है और एक तरबूज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लंच। इतना तका के पेट भरेगा क्या, या फिर आज भी मेरे को बाहर जाके कुछ खाना जुगाड़ करना पड़ेगा। खाना खाते हैं, पेट भरता है तो ठीक है, नहीं भरता है तो जस्ट चिल आउट, बाहर जाएंगे खाना खरीद कर लेके आएंगे। और 14 डेज लाइक स्टेइंग इन फूड चैलेंज, नहीं स्टेइंग इन फूड नहीं, स्टेइंग इन फ्रूट चैलेंज, हाँ 14 दिन फल पे रहने का चैलेंज। अभी योगा करके जस्ट वापस आया और वापस आने के बाद लाइक एक कड़वा सा जूस मिला था, देन आई हैड दैट। और आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जो कॉमन योगा होता है सबके लिए सुबह सम, उस पर जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। आज मेरे रूम पे और दो लोग आ गए, तो मेरे को वहाँ पे ब्लॉग बनाने में थोड़ा एंग्जाइटी लग रहा था, तो मैं सोचा कि यार चलो रूम से बाहर निकल के बाहर ब्लॉग बना लेते हैं। अभी सबका जो कॉमन योगा होता है वो होने के बाद आई जस्ट केम हियर इन द रूम, और रात के साथ साथ डिनर मिल गया थोड़ा 10-15 मिनट रुकने के बाद। आज का डिनर पे क्या है, इसको कुंदरी बोलते हैं हमारे बंगाली में, बीटरूट, खीरा, पपीता और केला, तो ये है आज रात का डिनर। अभी खाना खाएंगे और आज रात के लिए और 2-3 दिन के लिए खाना कनेक्शन करने के लिए बाहर जाएंगे यहाँ से। आज थोड़ा सा फ्रूट शॉपिंग करने के लिए बाहर आ रहे हैं, एंड मेरे को जितना पता चला सामने जो अन्ना आर्क है, मतलब अन्ना आर्क वाला जो गेट है उससे थोड़ा दूर आगे जाएंगे सिग्नल पे एक खाना मिलता है, मतलब एक सुपरमार्केट है वहाँ पे सस्ता मिलता है एक्चुअली। आई एम गोइंग दैट साइड सुपरमार्केट फॉर फ्रूट्स एंड आई थिंक होटल्स आर देयर ऑपोजिट साइड। This side a shop I know. This side I don't know, actually just cross the road and there are so many hotels. जिस सिग्नल पे हॉस्पिटल था उससे एक सिग्नल बाद यहाँ पे शायद कोने पे एक सुपरमार्केट है, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा कुछ रॉ फूड जो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बात करके फ्रूट्स का रेट कितना है और फिर खरीदेंगे यहाँ से। ₹40 एनी स्मॉल पैकेट लाइक 250 ग्राम ओके थैंक यू। सो आई वॉन्ट टू टेक दिस, ये मैंने लिया और ये मैंने लिया, तो अभी का सुपरमार्केट से ये दोनों चीज़ मैंने कलेक्ट किया, टोटल मेरे को कॉस्ट पड़ा 30 एंड 40 ₹70। एंड दैट ग्रीन कलर दाल, मतलब मेरे को मूंग दाल लेना है, मूंग दाल हाँ मूंग दाल को मूंग दाल ही बोलेंगे ना भाई यहाँ पे, और थोड़ा अलग थोड़ी हो सकता है।
Yeah. This is how much? Moong dal, Anna? ये कितना का है? 30 रुपये. ओके थैंक यू, दिस मच ओनली. तो ये हो गया लगभग मेरा 2-3 दिन का खाने का जुगाड़ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल पे. थैंक यू. टोटल 30, 40 एंड 30. GST वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन दिस इज हाउ द बिल लुक्स. थैंक यू. इसको कलेक्ट करके नाउ माय प्लान इज टू गेट सम फ्रूट्स. अभी जस्ट मेरा सामान कलेक्शन होने के बाद आई एम मूविंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल. एक्चुअली 8 बजे डॉक्टर आते हैं, और जब मैं यहाँ पे हूँ, पैसा खर्चा तो हो गया भाई साहब. 14 दिन पे तो कुछ तो पैसा खर्चा हुआ है, मतलब पैसा खर्चा हुआ लगभग 14 दिन पे मैक्सिमम 800-900, और चलो मान के चलो 1000, जिसमें से दवाई के लिए कुछ लगा, कुछ और सामान खरीदने के लिए लगा, कुछ खाने पीने में गया, तो उतना तो भाई साहब होगा ही होगा. एक्चुअली अभी जैसे हॉस्पिटल पे हूँ तो यहाँ पे मैं स्टेबल हूँ, रहने के लिए पैसा नहीं चाहिए, खाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कहीं जा नहीं रहे, 15 दिन लगभग यहाँ पे ट्रीटमेंट ही करवा रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा. लेकिन आगे आने वाले टाइम पे जब ट्रैवल करूँगा तब रहने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, और जाने के लिए भी चाहिए. तो अभी से अगर थोड़ा सा बचा बचा के चलेंगे तो आई थिंक आगे वही 100-50 रुपया मेरे को मतलब आगे जर्नी में जाकर सपोर्ट करेगा. एक्चुअली होता ये भी है ना भाई साहब कि मतलब मैंने ये देखा है कि फ्रूट खरीद लिया, जैसे मैंने कल या परसों लेके गया था, रात को लेके गया भाई फ्रूट, सुबह सुबह जाके देखा सड़ गया. अब करे क्या, फ्रूट से एक तो पैसा बहुत लेता है और अच्छा क्वालिटी मिलता भी नहीं है, तो उसके लिए मेरे को सही मंडी पे जाना पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअली अच्छा खासा मिलता है और थोड़ा सस्ते में भी मिल जाएगा. फ्रूट्स अफोर्ड तो कर लेंगे, लेकिन भाई ख़राब लगता है जब खा नहीं पता सड़ जाता है. वैसे बात करते करते अभी आ गए हॉस्पिटल के अंदर. यहाँ पे आने के बाद आई नीड टू कीप दिस ऑल थिंग्स इन द रूम. अगर भूख लगता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चूड़ा बोलता है, पोहा बोलते हैं, तो पोहा को यहाँ पे आउल बोलता है, तो थोड़ा सा आउल खा के बैठेंगे और आराम से फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर आएंगे 8 बजे, उनके साथ बात करेंगे कि कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसको लेकर के फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा 10वां दिन, और 4 दिन बचा हुआ रहेगा ट्रीटमेंट का.